हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनेस वर्ल्ड। गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज मच एज यू कैन। सो यस गाइस, यस्टरडे वी हैव स्टार्टेड द टॉपिक ऑफ स्टाफिंग। मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था स्टाफिंग के बारे में, डेफिनेशन प्रोवाइड करी थी एंड कंक्लूजन दिया था। अगर आपको उसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं वो वाली वीडियो। सो आज हम बात करते हैं कि वाई स्टाफिंग, मतलब ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग की ज़रूरत क्यों है। सो गाइज, उसमें हम 4 टॉपिक्स कवर कर लेंगे इन वन टॉपिक, जिसमें हमारे पास आता है इम्पॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट एंड एडवांटेजेस ऑफ स्टाफिंग। मतलब आपसे इम्पॉर्टेंस पूछी जाए, नीड पूछी जाए, बेनिफिट या एडवांटेजेस, तो आप सेम पॉइंट्स लिख कर आएंगे। सो फर्स्ट है गाइज, फिलिंग वेकेंट जॉब। देखो, हमें पता है कि ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, बट एम्प्लॉयज़ आते जाते रहते हैं, ठीक है। अब वेकेंट जॉब पोजीशन क्या होती है? जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक जॉब पर कोई पर्सन काम कर रहा था, बट अब वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़कर चला गया। अब सोचो, अगर ऑर्गेनाइजेशन स्टाफिंग नहीं करेगी तो वो वेकेंट जॉब्स को कैसे फिल कर सकती है? सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है हमें स्टाफिंग की, वेकेंट जॉब पोजीशंस को फिल करने के लिए। सेकेंड हमारे पास आता है गाइज, इंश्योर्स एफिशिएंसी। देखो, स्टाफिंग ये इंश्योर करता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी ह्यूमन रिसोर्स है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो, एंड इन दिस वे स्टाफिंग इंश्योर्स एफिशिएंसी कि किसी भी तरह से ह्यूमन रिसोर्स की वेस्टेज ना हो, जो टैलेंट ह्यूमन रिसोर्स के पास है उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज किया जाए। थर्ड हमारे पास आता है गाइस, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय एट राइट पोजिशन। देखो, हर एम्प्लॉय हर जॉब पोजिशन के लिए तो नहीं बना होता, एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय जो है वो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए बना होता है। एंड स्टाफिंग के अंदर हम एक एम्प्लॉय को, एक पर्सन को उस जॉब पर प्लेस करते हैं, रिक्रूट करते हैं, अपॉइंट करते हैं जो उसके लिए सुटेबल है। सो यस गाइस, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टाफिंग की ज़रूरत है एक कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय को राइट पोजीशन के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने के लिए। नेक्स्ट आता है गाइस, एम्प्लॉयज़ डेवलपमेंट। स्टाफिंग में ना हम सिर्फ एम्प्लॉय को अपॉइंट ही नहीं करते हैं, रादर देन दैट हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, हम उसके लिए डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं जिससे उसकी स्किल्स, उसका टैलेंट और एफिशिएंट हो जाता है, एंड अल्टीमेटली इट विल कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स दी डेवलपमेंट ऑफ दी एम्प्लॉयज़, ठीक है। क्योंकि वो और बेटर वर्क कर पाता है जब उसका टैलेंट, उसकी स्किल्स और एफिशिएंट हो जाती हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है गाइस, प्रमोट्स कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ। देखो, 2 ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, दोनों ऑर्गेनाइजेशंस के पास सेम फिजिकल रिसोर्सेज हो सकते हैं, मतलब सेम टेक्नोलॉजी हो सकती है, सेम फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं, पैसा भी सेम हो सकता है, बट दो ऑर्गेनाइजेशंस के पास सेम ह्यूमन रिसोर्स हो, सेम एम्प्लॉय हो, ऐसा नहीं हो सकता है, राइट। बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं, अच्छा खासा पैसा है, बहुत अच्छी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, बट स्टिल वो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं कर पा रहा या लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे। रीज़न, उस ऑर्गेनाइजेशन का ह्यूमन रिसोर्स एफिशिएंट नहीं है। हो सकता है कि आपने राइट एम्प्लॉय को राइट प्लेस पर नहीं अपॉइंट किया हुआ, या आप टाइम टू टाइम उसको ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। सो यस गाइस, स्टाफिंग इंश्योर करता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो, सो दैट यू कैन कम्पीट विद द कॉम्पिटिटर हु आर प्रेजेंट इन द मार्केट। नेक्स्ट आता है गाइस, बूस्ट एम्प्लॉयज मोराल। देखो, एज वी हैव डिस्कस्ड इन अवर पॉइंट नंबर 4 कि हम स्टाफिंग के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं, एम्प्लॉय की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे वो ज़्यादा एफिशिएंट हो रहा है, जिससे बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेंगी, तो अल्टीमेटली गाइस इससे एम्प्लॉयज़ का मोराल बूस्ट होता है। रीज़न क्या है गाइस? क्योंकि जब वो और एफिशिएंट होगा तो बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ उसको मिलेंगी, तो अल्टीमेटली वो और मोटिवेटेड फील होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फंक्शन करता है। नेक्स्ट आता है गाइस, की टू इफेक्टिवनेस। देखो, इफेक्टिवनेस क्या है कि ऑन टाइम, ठीक है, तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि राइट टाइम पर एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया जाए, एंड इन दिस वे स्टाफिंग इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इफेक्टिवनेस हो, मतलब जो भी काम है वो टाइमली कम्प्लीट हो।
नेक्स्ट आता है गाइस प्रमोट्स ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितना मर्जी पैसा हो, कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, बट अगर उस पैसे को यूज़ करने के लिए या टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए अगर ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है तो वो ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टाइम पीरियड तक नहीं ग्रो कर सकती है, नहीं सर्वाइव कर सकती है। तो स्टाफिंग इंश्योर करता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए ग्रो करे, लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक के लिए वो सर्वाइव करे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फैसिलिटेट्स अदर फंक्शन। देखो हमने क्या बोला, देखो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्शन भी है, सेल्स भी है, हम कह सकते हैं कि एडवर्टाइजिंग फंक्शंस भी हैं, बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब ये सब फंक्शन करने वाला अल्टीमेटली है कौन, ह्यूमन रिसोर्स है। तो यस गाइस, स्टाफिंग के ऊपर हमारे बाकी सभी फंक्शंस जो हैं वो डिपेंडेंट होते हैं। रीज़न बीइंग अगर हमारे पास स्टाफ ही नहीं है तो हम बाकी फंक्शन नहीं कर, हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, हम सेल्स नहीं कर सकते, ठीक है, हम गुड ह्यूमन रिलेशनशिप बिल्डअप नहीं कर सकते हैं। तो स्टाफिंग जो है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एन ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ये बाकी सभी फंक्शंस को भी फैसिलिटेट करता है। होपफुली गाइज इंपॉर्टेंस, नीड, बेनिफिट्स, एडवांटेजेस, ऑल दीज आर क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स एंड आई विल गिव यू द रिप्लाई। एंड यस गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बाय एवरीवन।